क्या कर रहे हैं ये लोग? सर वो लोग बाहर बैठे हैं, अंदर बुलाऊं क्या? राजन क्या तुम उन्हें जानते हो? जानता हूं सर, मैं थोड़ा बहुत उन लोगों को पहचानता हूं। आने के लिए बोलो। यू गॉट द डिटेल्स? ट्राई कर रहा हूं सर। उन्नी कल शाम को ये घटना हुई है, फिर भी तुम लोग कल रात ये रिपोर्ट लिखाने क्यों नहीं आए? वो आ जाएगी इस उम्मीद में थे हम लोग, सुबह हो गई अभी तक नहीं आई, इसलिए रिपोर्ट लिखाने आए। मामा ने बोला कि जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा लो। सर आप तो जानते ही हैं, एडवोकेट रामावरण भाई मेरे मामा हैं, उन्हें कोर्ट जाना था वरना साथ में वो भी बाहर कोई अफेयर था या किसी से प्यार करती थी? क्या बात कर रहे हैं, कैसा मजाक कर रहे हैं आप, उसे किसी से प्यार नहीं था। उनके घर में जाके पूछा? रामन ने जाकर पूछा था, वो वहां नहीं गई। ये रामन कौन है? घर के पास ही रहता है। उसके कोई और करीब के रिश्तेदार हैं क्या? नहीं। तो फिर कहां चली गई? एक स्टेटमेंट लिखवा के लो सर, बाद में उसकी एक फाइल बनाओ और FIR रेडी करो सर। रुको, हाथ दिखाओ अपना। तुम्हारे हाथ से खून की बदबू आ रही है। ये सांबर की खुशबू है, आज इडली में सांबर डाल के मैंने खाया था इसलिए। वकील के बोलने पे रिपोर्ट करने आए हो? हाँ जाओ। अरे ये तुम्हारा ऑफिसर पागल है क्या? खून और सांबर की खुशबू में फर्क नहीं समझता है। ये क्या बात है राजन भाई, खून की बदबू आ रही है बोल रहे हो? ये सब पुलिस वालों का साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ऐसा बोलने से जो भी सुनता है उसके चेहरे पर कुछ फर्क आता है क्या, ये देखने के लिए। उनको भाई के ऊपर शक है क्या राजन भाई? और मुझ पर क्यों शक करेगा? Hey, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहां जाकर देखकर आता हूं। नहीं भाई आप कहीं भी मत जाइए। उस तरफ गोता लगाकर देखो। ये क्या है सर, सुबह सुबह शुरू किया था ढूंढने के लिए। नहीं, जिला प्रेसिडेंट ने फोन करके बताया, अगर आपको कोई मदद चाहिए होगी तो हमारी पार्टी में है सर, एक नंबर के गोता लगाने वाला। दिल्ली जाने जितना आसान नहीं है इस पानी में गोता लगाना, समझ गए? हाँ तो मैं भी गोता लगाना है क्या? आपके दिल्ली की बात बोलने से मुझे याद आया। रास्ता छोड़ो, साइड हो जाओ, साइड में हटो, चलो चलो साइड हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, चलो हटो। सर SP, ये क्या बात है शिव कुमार, जरा इस SP की ड्रेस तो देखो कैसी है। सर वो आ रहे हैं देखिए। इस आदमी को ऑफिस में बैठकर काम करना चाहिए ना, क्यों बेकार में इतनी दूर आकर हम काम करने वाले को परेशान करता है। बॉडी मिली क्या? नहीं सर। तुम क्यों जल्दबाजी में जवाब दे रहे हो, मैं हूँ ना जवाब देने के। तुम्हें किसने बोला था यहाँ आकर खड़े रहने के लिए? गेस्ट हाउस का काम हुआ क्या? सर मैं गेस्ट हाउस गया था, फिर मंत्री जी को भयंकर जुलाब हो गया है। अरे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे सर। कुछ भी बोलो, उस आदमी को ठीक होने तक तुम्हें वहाँ से नहीं आना चाहिए सर, था। इसने मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला था। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें काम करो, सीधा तुम स्टेडियम जाओ, वहाँ एक फुटबॉल मैच है। सर फुटबॉल मैच तो 4 बजे के बाद है ना, मैं पहले ही थका हुआ हूं। अभी से वहाँ क्राउड शुरू हो जाएगा, वहाँ चले जाओ तुम, बोल रहा हूँ ना मैं, जाओ। यूजलेस। अबे चल हट गधे कहीं के। क्या बोला तुमने? नहीं सर, इसने मेरे पैर को दबा दिया, बहुत दर्द हो रहा है सर, निकल यहाँ से। हाँ इस तरह जाओगे तो जरूर पैर से दबकर गिरोगे। तुम लोग क्यों हंस रहे हो, ये डुबकी लगाओ। सुनो भाई। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? गांव वाले और पुलिस वाले मिलकर तालाब में कुछ ढूंढ रहे हैं। यहाँ कुछ है, यहाँ उजरा, यहाँ यहाँ डुबकी लगाओ। हाँ
अरे क्या है क्या है? अरे कौन है ये? कौन है? कौन है ये? अरे कौन है? कौन है भाई? लेकिन ये कौन है? क्या नाम है इसका? ये है कौन? अरे क्या हुआ इसको? अरे कौन लड़की है? देखने दो। रात को खाने में क्या खाओगे? हे भगवान, इंक्वायरी करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस यस सर। ओके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? सर अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है। शी वॉज ब्रूटली राइट और बॉडी भी अभी पूरी तरह से डिस्कम्पोज नहीं हुई है। ऐसी बात है, पंचायत रखे हो क्या? वहाँ की खबर क्या है? सर वहाँ के और गोविल गांव के लोगों का कहना है कि उन्नी एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन कुछ लोगों को उन्नी तुमरान से जलन तो है। तालाब के अंदर से लाश मिली है, केवल उसी के कारण हम उन्नी तुमरान को। तुम्हारी क्या राय है इसमें? सर इस सब से कुछ भी नहीं होगा। 30-35 की उम्र हो जाने के बाद भी उसने शादी नहीं की। वो लड़कियों से सिर्फ मजाक करता है, ये तो कोई ठोस सबूत नहीं हुआ ना सर। तुमसे किसने राय मांगी है? सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं ना, तुम एयरपोर्ट जाने की तैयारी करो। सर फ्लाइट लेट है, शाम को 6 बजे पहुंचेगी, उससे पहले इंतजाम भी तो करना होगा। वहां जाकर इंतजार करो, जाओ। रुको। हेलो। ओह हे भगवान, सिर्फ एक चांस, सिर्फ एक चांस चाहिए। इस येड़े को मन भर के सुनाना है मुझे एक बार, उसके बाद इस यूनिफॉर्म से ही नहीं चाहे तो पूरी दुनिया से मुझे निकाल दो। मैं जानता हूं। ओके। उसके खिलाफ जो भी लोग बयान दे रहे हैं थोड़े शक की भी गुंजाइश नहीं है। हाँ ऐसी बात है। तो मिस्टर राजन, क्या तुम उस उन्नी को पहले से जानते हो? जानता हूँ सर। जानता हूँ मतलब? सर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो फिर मिस्टर विल्सन, टेक योर केस, तुम उनको असिस्ट करो, काफी है सर। कोई दूसरी बात नहीं है, निष्पक्ष रूप से छानबीन करना ही ठीक रहेगा और लोगों की नजर में एक अच्छा ऑफिसर बनकर रहना भी जरूरी है ना। ओके। इस केस को लेकर जनता बहुत गुस्से में है, ऐसा अखबार में लिखा है। मैंने भी पढ़ा था। इस तरह प्रदर्शन करना लोगों का पेट भरने जैसा है सर। बेवकूफ, लोग कल से निकलेंगे बर्तन लेकर भीख मांगने। सीता के गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। जिंदाबाद। कोकिला गांव के हत्यारों को तुरंत अरेस्ट करो।